वेलकम टू दीपूस किचन। आज हम बनाएंगे स्टफ मेथी पराठा। जिसके लिए सामग्री लिया है, हरा मेथी, बेसन है थोड़ा सा, टेस्ट के अनुसार नमक, हल्दी, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। और पराठा के लिए डो हमने रेडी करके रखा है, जो अपन नॉर्मल पराठा के लिए बोलते हैं वैसा ही मैंने आटा भून दिया है पराठा के लिए। अभी हम एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने को रखा है, जिसमें हम मेथी है वो डाल देंगे। मैंने 1 टेबल स्पून तेल लिया था। ये पराठा में स्टफिंग करने मसाला बना रहे हैं मेथी का। अभी हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अभी हम मेथी को थोड़ा पकने देंगे। अभी मेथी अच्छे से पक चुका है तो हम इसमें थोड़ा बेसन डालेंगे। थोड़ा और डालेंगे। मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा हिलाते रहेंगे, क्योंकि तो अभी बेसन डाला है तो वो चिपकेगा, तो जरा संभल के हिलाना है। अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, इसे नीचे बैठता जाएगा लेकिन आपको इसे पड़ेगा उसको और पूरा ड्राई हो जाएगा। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि वो पूरा अलग अलग लूज हो जाए, मसाला है वो पूरा लूज हो जाएगा जरा ठंडा होने के बाद। तो अभी मैं गैस बंद करके एक प्लेट में निकाल देती हूँ मसाला। अभी हमारा मसाला है वो पूरा ठंडा हो गया है, अभी आप देख सकते हैं पूरा लूज भी हो गया है। अभी हम डो से पराठा बेलेंगे। मैंने डो रेडी करके रखा था तो अभी हम पराठा बेलेंगे। उसमें मैं मसाला भरूंगी और इसको हम फोल्ड कर देंगे। और इसको बेल देंगे। अभी हम तवे पे उसको डालेंगे और देसी घी में पराठा का टेस्ट अच्छा आता है तो हम घी में पराठा सेकेंगे। बटर नहीं यूज कर रही हूँ मैं, घी यूज कर रही हूँ। आप बटर भी यूज कर सकते हैं।
अब तक मैं और एक पराठा है वो बना देती हूँ। पराठे को हम पलटा देंगे और उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। दूसरा पराठा भी बेल देती हूँ। ब्राउन कलर में आ गया है, अभी मैं इसको निकाल के दूसरा डाल दूंगी। अभी हमारा गोल्डन ब्राउन पराठा हो गया है, देख सकते हैं आप, मेथी का स्टफ पराठा आप देख सकते हैं, अच्छे से अंदर मसाला भी भर गया है। अभी हमारा रेडी है मेथी का स्टफ पराठा।